तो वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर। टुडे इज द फोर्थ लेक्चर ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज नया टॉपिक आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नई पार्ट ऑफ स्पीच आएगी वर्ब्स। वर्ब्स का क्या कॉन्सेप्ट है, वर्ब का क्या काम होता है सेंटेंस बनाने में, क्या उसका रोल है, इस सब पे बात होगी। ठीक है, आई होप यू आर रेडी। बेसिक्स से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको बेसिक्स में ही बताएंगे कि आप लोगों से कहां गलतियां होती हैं। तो चाहे आप पहले कहीं इंग्लिश पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। इन तीन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा मेरे लेक्चर अटेंड करते टाइम। मैं आपको पहले बता भी चुका हूं, ये दिस इज ऑल अबाउट माय टीचिंग प्रोफाइल। ये तो आप लोग जानते हैं कि मैं अनअकैडमी और अनअकैडमी प्लस दोनों पे पढ़ाता हूँ। डेली फ्री प्रैक्टिस बैच चलता है मेरा अनअकैडमी पे, इट्स अ फ्री वन, सुबह 11 बजे और रात में 9 बजे, दोनों में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कोड है, ये कोड डाल के आप सीधे मेरी क्लास में आ सकते हैं अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद। जिन लोगों ने पिछली तीन क्लासेस मिस की हैं वो ज़रूर देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना। वर्ब अपने आप में क्या बताता है, या तो कोई एक्शन या कोई स्टेट या स्टेज। वर्ब बताता है या तो कोई एक्शन या कोई अवस्था या कोई स्थिति, स्टेट या स्टेज। वर्ब ऑफ एक्शन देख लो, एक बार एग्जांपल्स देख लो, मीनिंग्स एनालाइज कर लो। अभी इनको डिस्कस भी करेंगे, इनके सॉनिम्स को डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा आएगा, इंटरेस्टिंग आएगा। क्लास में थोड़ा डिले हो गया है स्टार्टिंग में, आगे अभी मोमेंटम पूरा बन जाएगा, पूरा रिदम बना के क्लास करेंगे। या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रैक्टिस के लिए मुझे व्हाट्सएप करना, बता देंगे कौन सी बुक से पढ़ना है। एक बार एग्जांपल्स पढ़ के देख लो। तुम लोग ये बताओ कि इसमें वर्ब कहाँ कहाँ आ रहा है, पहले ये बताओ इसमें वर्ब कहाँ कहाँ आ रहा है। सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अब मैं स्पीड बना के चलूंगा, अब कोई बीच में ब्रेक नहीं होगा होपफुली, ठीक है। तो जिन लोगों ने क्लास अब जाके एक्सेस की है उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो बहुत पहले से मेरा वेट कर रहे थे, आई एम सॉरी फॉर दैट, फॉर द डिले। वर्ब एक ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच होती है, जो क्या बताती है, दो चीजें बताती है, या तो कोई एक्शन, कोई घटना, कोई काम, या कोई अवस्था, स्टेट या स्टेज। स्टेट या स्टेज की बात आज बहुत ही अच्छी तरह से होगी, अभी आगे होगी। तुम लोगों को दिखाएंगे कि इज एम आर के साथ, बिना मेन वर्ब के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, सब आएगा अभी, ठीक है। पहले एक्शन वाला देख लेते हैं, क्योंकि वर्ब जनरली एक्शन ही बताता है। द न्यू मैनेजर प्रोक्रेस्टिनेट्स द वर्क। प्रोक्रेस्टिनेट यहाँ पे क्या है, अपने आप में वर्ब है, प्रोक्रेस्टिनेट इज वर्किंग एज अ वर्ब। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या है, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब है डीले करना, किसी काम में देरी करना, किसी काम को डीले करना। अभी आगे सिनोनिम भी लिखा देंगे इसके। योर ब्रदर वॉज अमेल्यूरेटिंग द ग्रेप क्राइसिस। अमेल्यूरेटिंग का मतलब क्या है, अमेल्यूरेटिंग का मतलब होता है किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना, किसी खराब सिचुएशन की इंटेंसिटी को कम करना, उसको बेहतर बनाना, ठीक है, मिटिगेट करना कहीं ना कहीं। ग्रेव का तो मतलब हो गया गंभीर, सीरियस। एमेलिएटिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, एक्शन बता रहा है। पहले सेंटेंस में एक्शन हो रहा है डीले करने का, दूसरे सेंटेंस में एक्शन हो रहा है सिचुएशन को बेहतर बनाने का, थर्ड सेंटेंस में एक्शन हो रहा है टार्निश करने का। प्रेजेंट परफेक्ट टार्निश का मतलब होता है किसी की छवि खराब करना, किसी की रेप्यूटेशन खराब करना। She can pass the examination. यहाँ पे pass, जाहिर सी बात है, pass is working as the main verb. Pass अपने आप में main verb के तौर पे काम कर रहा है। तो इसका मतलब verb अपने आप में क्या बताता है, basically कोई ना कोई action। जैसे कि मैं बोलूँ, कुछ words बोलूँ, go, come, sing, dance, play, ये सब क्या है, वर्ब ऑफ एक्शन है कि नहीं है, run,
इसके अलावा एडवाइस, किसी को कोई सलाह देना, एडवाइस, सजेस्ट, इम्प्रूव, इंक्रीज, डिक्रीज, ये सब एक्शन वाले वर्ड्स हैं। वर्ब आमतौर से एक्शन डिनोट करता है, और जब एक्शन वाले वर्ड्स होते हैं तो उनकी तीन पार्ट वो होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, जैसे प्ले प्लेड, प्लेड, डांस डांस डांस्ड। और जिनकी नहीं होती है उनके लिए वो लगाना पड़ता है थर्ड सेकंड थर्ड फॉर्म में। कोई नया वर्ड आता है जैसे इररेगुलर वर्ब्स होते हैं, गो वेंट गॉन, कम केम कम, मेक मेड मेड, उसको डिस्कस करेंगे टेंसेस की क्लास में, उसको डिस्कस करेंगे टेंसेस की क्लास में। पहला सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनेट में है, सिंपल प्रेजेंट में है। सेकंड सेंटेंस पास कंटिन्यूअस में है। थर्ड सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। और चौथे में टेंस कोई नहीं है, मॉडल वर्ब आ रहा है, मॉडल वर्ब आ रहा है, ठीक है, कैन, लेकिन एक्शन हो रहा है पास करने का। अब आ जाओ आज के मेन मुद्दे पे, जो आज काफी लंबा चलेगा और आपको बड़ा मजा आएगा। बेसिक्स में ही बताऊंगा, स्पोकन इंग्लिश के एग्जाम्पल्स देंगे कि तुम लोग कहाँ कहाँ गलती करते हो, एग्जाम में कहाँ कहाँ क्वेश्चन बन सकता है स्पॉटिंग एरर्स का, और फिल इन द ब्लैंक्स का। स्टेट का हिंदी में मतलब क्या हो गया? अवस्था, कोई अवस्था, कोई कंडीशन। और स्टेज का मतलब हो गया कोई जगह, कोई स्थिति, कोई सिचुएशन या कोई जगह। अब प्रेजेंट कभी आएगा? प्रेजेंट का स्टेट स्टेज आएगा, तीन टाइप्स आएंगे प्रेजेंट में, तीन टाइप्स आएंगे, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री। पास्ट में आएगा, फिर फ्यूचर में आएगा। सब लोग साथ में बने रहना, बहुत मजेदार सेशन होने जा रहा है अभी, ठीक है। ही इज हंग्री। अब इसमें जो इज आ रहा है, इज, इसके साथ कोई मेन वर्ब तो नहीं आ रहा? ही इज हंग्री, कोई मेन वर्ब नहीं आ रहा। अरे हंग्री तो अपने आप में एडजेक्टिव हो गया, भूखा है, ठीक है। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, लेट मी करेक्ट दैट। तुम बीमार हो, कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ किसी की हालत बताई जा रही है, स्टेट बताई जा रही है। दे आर इन मुंबई, वे मुंबई में है। अगेन आई वुड से कोई एक्शन नहीं हो रहा, इस बार एक स्टेज बताई जा रही है, प्लेस बताई जा रही है। फर्स्ट दो सेंटेंसेस में, फर्स्ट टू सेंटेंसेस में स्टेट बताई जा रही है, अवस्था, तीसरे में स्टेज बताई जा रही है, कोई जगह। अच्छा, अब तुम ये सोचो ही इज हंग्री की जगह अगर मैं कर दूं ही इज फीलिंग हंग्री। मान लो मैं कर दूं ही इज फीलिंग हंग्री, ही इज फीलिंग हंग्री, तो वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा ना, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। तब वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फीलिंग हो जाएगा मेन वर्ब, इज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। उसका मतलब क्या निकलेगा हिंदी में? वह भूखा महसूस कर रहा है, तो वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है ना, ये मत सोचना कि इसमें मार आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अरे भैया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तब होगा जब आगे आईएनजी आएगा, जब आगे आईएनजी आएगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल नहीं है ये। यू आर इल, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, एक्शन तो कोई नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं कह दूं यू आर फीलिंग इल, यू आर फीलिंग इल, महसूस कर रहे हो, बीमार महसूस कर रहे हो, तब तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दे आर इन मुंबई, कोई एक्शन नहीं हो रहा, स्टेट स्टेज वाला केस है। लेकिन दे आर वर्किंग इन मुंबई, दे आर वर्किंग इन मुंबई, दे आर लिविंग इन मुंबई, अब तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि स्पोकन इंग्लिश हो चाहे रिटन इंग्लिश हो, दोनों तरह के सेंटेंसेस का यूज बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। जब कोई एक्शन लगाना होता है तो फिर हम लोग टेंस वाली ग्रामर लगाते हैं, जब कोई एक्शन नहीं होता है, कोई स्टेट या स्टेज होता है, अवस्था या स्थिति होती है, तब हम लोग ये यूज कर लेते हैं। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई होप यू आर डूइंग इक्वली वेल। वर्ब स्टार्ट किया है, वर्ब्स अभी वैसे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की एडवांस स्टडी नहीं कर रहे हैं, सिंटैक्स नहीं चल रहा है। कहीं स्टूडेंट्स को ये लग रहा हो कि सर तो हर क्लास में नई पार्ट ऑफ स्पीच ला रहे हैं, एक क्लास में नाउन खत्म कर देते हैं, एक में प्रोनाउन खत्म कर देते हैं, वर्ब स्टार्ट कर देते हैं, फिर वर्ब खत्म कर देंगे, ये रूल्स नहीं चल रहे हैं। लेट मी मेक दैट थिंग वेरी क्लियर टू यू, आई हैव बीन सेइंग दिस थिंग फ्रॉम द सिंस द वेरी बिगनिंग, कि ये डिटेल्ड स्टडी नहीं चल रही है। रूल्स आर नॉट गोइंग ऑन, रूल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड द स्पेशल केसेस ऑफ दोस रूल्स आर नॉट गोइंग ऑन राइट नाउ, ओनली द बेसिक स्टडी ऑफ ईच पार्ट ऑफ स्पीच इज गोइंग ऑन।
आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, द बेसिक्स ऑफ ईच पार्ट ऑफ स्पीच, कि पहले आप ये तो पहचानना सीखें, पहले आप ये तो पहचानना सीखें कि नाउन होता क्या है, प्रोनाउन होता क्या है, वर्ब होता क्या है, उसके बाद वो स्टेज आएगी कि जब आप रूल्स पढ़ेंगे, स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, ठीक है? तो दे आर इन मुंबई। अच्छा, इसका नेगेटिव क्या होगा? बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूं मैं तुम लोगों से, इसका इसका नेगेटिव क्या होगा? कोई डस डू मत लगा देना, डस या डू मत लगा देना। ही इज हंग्री का क्या हो जाएगा? ही इज नॉट हंग्री, ही इज नॉट हंग्री। यू आर इल का क्या हो जाएगा? यू आर नॉट इल। दे आर इन मुंबई का क्या हो जाएगा? दे आर नॉट इन मुंबई, ठीक है? डू नॉट डज नॉट कब लगता? अरे भैया, डू नॉट डज नॉट तो तब लगता अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता। डू नॉट डज नॉट तो तब लगता अगर प्रेजेंट, यस आर एफ, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता। जैसे मान लो होता दे लिव इन मुंबई, मान लो होता दे लिव या दे स्टे इन मुंबई, तो हो जाता दे डू नॉट लिव या डू नॉट स्टे इन मुंबई। अगर होता ही फील्स हंग्री, अगर होता ही फील्स हंग्री, तो हो जाता ही डज नॉट फील हंग्री। अच्छा, इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव आर दे इन मुंबई, आर दे इन मुंबई, इज ही हंग्री, इज ही हंग्री, क्या वो भूखा है, क्या वो भूखा है। डज ही हंग्री मत कर देना, डज ही हंग्री कोई इंग्लिश नहीं होगी, इज ही हंग्री होगा, क्या वो भूखा है, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से क्या तुम बीमार हो, क्या तुम बीमार हो, आर यू इल। अच्छा, अगर ये कहना हो, ये बताओ क्या वो भूखा नहीं है, अगर ये कहना हो, अगर ये कहना हो क्या वो भूखा नहीं है, क्या वह भूखा नहीं है, इंग्लिश क्या होगी? तब हो जाएगी इज ही नॉट हंग्री, इज ही नॉट हंग्री। क्या तुम बीमार नहीं हो, आर यू नॉट इल, आर यू नॉट इल। इस पे आ जाओ। बहुत सी ग्रामर की बुक्स में इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में देते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में देते हैं, जबकि मैं इसको अलग कर रहा हूँ, टेंस से बिल्कुल अलग कर रहा हूँ, क्योंकि टेंस में तो कोई ना कोई एक्शन वाला वर्ड होता है ना, इसमें कोई एक्शन नहीं है। अच्छा, अब ये आ जाओ, इसको और ध्यान से समझना, इसको और ध्यान से समझना। ये आ गया कौन सा टाइप? टाइप टू आ गया। इस टाइप में आप लोग देखेंगे कि हम लोग सेंटेंसेस जो भी डिस्कस करेंगे उसमें कहीं ना कहीं पजेशन आ रहा होगा, पजेशन क्या रहा होगा, पजेशन यानी कि अपने पास कोई चीज होना, होना या रखना। अब देखो, ध्यान से देखो, ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, ही हैज अ कार का मतलब है उसके पास एक कार है। अभी तक आ रहा था इज एम आर, अब हैज हैव आएगा। अगर मैं कहूं ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, तो टाइप वन हो जाएगा, ही इज अ डॉक्टर। एंड ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, इसमें ये हैज हो जाएगा टाइप टू, पोजीशन वाला, उसके पास एक कार है। मेरे पास बहुत समस्याएं हैं, आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स, आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स, मेरे पास बहुत समस्याएं हैं, मेनी प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये गलती से भी इसको प्रेजेंट परफेक्ट मत समझ लेना, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता तो साथ में थर्ड फॉर्म आ रही होती कि ना आ रही होती? प्रेजेंट परफेक्ट होता तो थर्ड फॉर्म आती कि ना आती? जैसे कि कहते हैं ही हैज ड्रिवन अ कार, अगर कहते ही हैज ड्रिवन अ कार, ड्रिवन अ कार, तो थर्ड फॉर्म आती, वो गाड़ी चला चुका है, या ही हैज परचेज अ कार, वो गाड़ी खरीद चुका है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता। आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स की जगह अगर हो जाए आई हैव फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स, आई हैव फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स, तो भी वही बात है, मेन वर्ब हो जाएगा, वो मेन वर्ब हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को एक अच्छी चीज देखने को ये मिलेगी कि ही हैज अ कार का नेगेटिव क्या बन सकता है, ही हैज अ कार का नेगेटिव क्या क्या पॉसिबल है। हाँ विकास, ही हैज अ कार का नेगेटिव देखना। एक मेथड बनेगा बिल्कुल बेसिक मेथड, सिंपल सा मेथड, और एक बनेगा वो मेथड जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश में ज्यादा यूज होता है। ये सेंटेंस तुम लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा पढ़ने में, सुनने में, लेकिन ये बिल्कुल सही है। ही हैज नॉट अ कार का मतलब क्या है? ही हैज नॉट अ कार का मतलब उसके पास एक कार
नहीं है, उसके पास एक कार नहीं है, ठीक है। सही है, बिल्कुल, नॉट बीच में लगा दिया। ये सिंपल वाला मेथड है, ये तो कोई भी समझ लेगा। और जो दूसरा मेथड आने जा रहा है उसको ध्यान से देखना, ये टेंस वाली ग्रामर लगेगी इसमें, देखना ध्यान से। He does not have a car. He does not have a car. समझ में आया? हाँ, वो भी सही है, मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तुम्हारी कार नहीं है उसके पास। ये मेथड ज्यादा अच्छा माना जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर आ जाए दोनों में छांटने को तब भी इसी को ज्यादा अच्छा माना जाएगा, प्रिफर किया जाएगा, और इंग्लिश लिखने बोलने में भी ज्यादा यही यूज होता है। ही हैज नॉट अ कार सही है, और ही डज नॉट हैव अ कार। अगर किसी स्टूडेंट को यह लग रहा हो, किसी स्टूडेंट को यह लग रहा हो कि ये ही के साथ हैव कैसे आ गया, ही के साथ हैव कैसे आ गया, हैज क्यों नहीं आया, अरे भैया वो मेन वर्ब है, हैव तो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ही क्योंकि सिंगुलर था उसके लिए तो डज आ गया ना, ही क्योंकि सिंगुलर है उसके लिए तो डज आ गया कि नहीं आ गया, उसके लिए डज आ गया, ठीक है। तो ही डज नॉट हैव अ कार। तुम ये सोचो क्या हम लोग ही हैज अ कार को ये लिख सकते हैं, ही ओन्स अ कार, बात को समझो, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं ही हैज अ कार को, ही ओन्स अ कार, ही ओन्स, OWNS, ही ओन्स अ कार। तो ही ओन्स अ कार कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो ही ओन्स अ कार का नेगेटिव क्या बनेगा, ओन अ कार का नेगेटिव क्या बनेगा, ही डज नॉट ओन अ कार, ही डज नॉट ओन अ कार, ही डज नॉट ओन अ कार होगा। तो वैसे ही हो गया, जब ओन्स का ओन बन गया, डज लगने से ओन्स का ओन बन गया, तो वैसे ही डज लगने से हैज का क्या हो गया, हैव हो गया। तो डज नॉट हैज मत कर देना, ऐसी गलती मत कर देना। अब इंट्रोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव इसका एक सिंपल मेथड, अभी तुम ही लोगों से बनवाएंगे इस वाले का, दूसरे वाले सेंटेंस का, पहले खुद बना दें तुम्हारे लिए सैंपल के तौर पे। तो Does he have a car? ठीक है, Does he have a car? वही वाला कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। सही दोनों हैं, सही दोनों हैं, प्रिफर किसे करेंगे, नीचे वाले को। तुम लोग खुद जानते हो कि इंग्लिश लिखने में और बोलने में ज्यादा यही होता है। मुकेश क्या यूज कर, इसमें क्या रिपीट करने को कह रहे हो, क्या रिपीट करने को कह रहे हो, देखो कैसे बनाइए। ही हैज अ कार का इंट्रो, ही ओन्स अ कार हुआ, ही ओन्स अ कार का इंट्रोगेटिव क्या होता, ही ओन्स अ कार का इंट्रोगेटिव क्या होता, ही डज ही ओन अ कार होता, डज ही ओन अ कार। तो डज के लगने से ओन्स में एस हट जाता, तो वैसे हैज का ये हट गया, डज ही हैव अ कार हो गया, ठीक है। अब एक तुम्हारा काम है, तुम लोगों को मैं काम दे रहा हूँ, तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, तुम लोग इसके सुनो मेरी बात ध्यान से सुन लो, कोई हड़बड़ाओ मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स, आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स, आई हैव, अरे ये मेन वर्ब है स्वर्णिम, ये मेन वर्ब है, ही क्योंकि सिंगुलर है उसके लिए तो डज लग गया ना। अब सुनो, आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स का जो नेगेटिव होगा,
ये सबसे तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव। नेगेटिव बनाओ बिल्कुल ऐसे ही, जैसे हमने इसका ये बनाया था, इसका ये और ये बनाया था, ऐसे ही तुम लोग एक ही कमेंट में, मेरी बात सुनो पहले, सुन लो, एक कमेंट के अंदर दोनों सेंटेंसेस लिखना, एक ही कमेंट के अंदर दोनों सेंटेंसेस लिखना नेगेटिव वाले, सिर्फ नेगेटिव वाले। किसका नेगेटिव? बी वाले का, बी वाले का। आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स, एक मेथड होगा कम अच्छा, एक होगा ज्यादा अच्छा, लेकिन सही दोनों होंगे। आई हैव नॉट मेनी प्रॉब्लम्स, और दूसरा हो जाएगा आई डू नॉट हैव, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे डोंट, तो शॉर्ट में बोलेंगे डोंट। आई डू नॉट हैव मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, आई डू नॉट हैव मेनी प्रॉब्लम्स, क्लियर हो गया? ज्यादा अच्छा कौन सा माना जाएगा? इंग्लिश लिखने बोलने में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, नीचे वाला सही दोनों है। जैसे होता ना आई पजेस मेनी प्रॉब्लम्स, तो आई पजेस मेनी प्रॉब्लम्स का मतलब क्या क्या होता? आई डू नॉट पजेस हो जाता है, डू नॉट। इंट्रोगेटिव क्या होगा? क्या मेरे पास बहुत समस्याएं हैं? अभी नहीं कह रहे, अभी नहीं कह रहे, क्लास के बाद, क्लास के बाद। हाँ श्रद्धा, हाँ दिलशाद। अच्छा अगर वाई वेन वेयर हाउ लगाओगे तब भी तो वही होगा, अगर वाई वेन वेयर हाउ लगाओगे तब भी तो वही होगा, दोनों मेथड्स बन जाएंगे। हाँ ठीक है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है अरविंद, इसका क्या हो जाएगा? वाई का, वाई है आई हैव मत कर देना, वाई आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स कोई इंग्लिश नहीं होगी, वाई हैव आई मेनी प्रॉब्लम्स होगी, वाई हैव आई मेनी प्रॉब्लम्स। इसी तरह से वाई डू आई हैव, अच्छा इसकी इंग्लिश बनाओ, क्या तुम्हारे पास एक किताब है? क्या तुम्हारे पास एक किताब है? दोनों मेथड से बनाओ, क्या तुम्हारे पास एक किताब है? हैव यू अ बुक, कम अच्छा मेथड क्या होगा? हैव यू अ बुक क्वेश्चन मार्क, और ज्यादा अच्छा मेथड क्या होगा? हाँ मैं तुम्हारे कमेंट्स देख रहा हूँ, तुम लोग कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, आंसर करते रहो। ज्यादा अच्छा मेथड होगा डू आई हैव अ बुक, डू यू हैव अ बुक, डू यू हैव अ बुक क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट की लास्ट टाइप पे आ जाओ, प्रेजेंट की लास्ट टाइप पे, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स आएंगे। आई हैव बीन इल सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन इल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से बीमार हूं। अच्छा अगर सिर्फ कहें आई एम इल, आई एम इल, तो वो तो हो जाएगा टाइप वन, वो हो जाएगा टाइप वन वाला, इज एम आर जो आता है। यहाँ पे हैज बीन हैव बीन आ रहा है, हैज बीन हैव बीन आ रहा है, लेकिन साथ में वो नहीं आ रहा, कोई आई एन जी नहीं आ रहा है, मेन वर्ब नहीं आ रहा है एन जी के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मत समझ लेना। एक ऐसी स्टेट बताई जा रही है, एक ऐसी स्टेट या एक ऐसी स्टेज बताई जा रही है जो पास्ट में भी, पास्ट में शुरू हुई और प्रेजेंट में भी जा रही है, पास्ट में शुरू हुई और प्रेजेंट में भी जा रही है। आई हैव बीन इल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से बीमार हूं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल सुन लो, एसएससी के लिए, सीडीएस, बैंकिंग, एनडीए, इन एग्जाम्स के लिए आता रहता है, वो एग्जाम में के सवाल का सेंटेंस कैसे दे देंगे? आई एम इल, सिंस फॉर का डिफरेंस सीजल तुम्हें टेंस में मिल जाएगा। मैंने टेंसेस पढ़ा रखा है वैसे, 6 महीने पहले पढ़ाया था इसी चैनल पे, रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें पढ़ाया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है, सिंस फॉर का डिफरेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ाया है। आगे तुम्हारे कोर्स में आएगा, अगला टॉपिक वही आएगा, लेकिन अगर और जल्दी में हो तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लो जो ऑलरेडी वीडियो पढ़ा हुआ है। हाँ एग्जाम में सवाल वो कैसे देंगे स्पॉटिंग एरर्स का? आई एम इल सिंस मॉर्निंग, आई एम इल सिंस मॉर्निंग गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली, आई हैव बीन इल करना पड़ेगा, आई हैव बीन इल सिंस मॉर्निंग।
हैव बीन इन मुंबई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आने जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आने जा रहा है ये। आई हैव, सॉरी सॉरी सॉरी, दे हैव बीन इन मुंबई, दे हैव बीन इन मुंबई फॉर 3 months और दे हैव बीन टू मुंबई फॉर 3 months। यहाँ प्रेपोजिशन इन है, पहले वाले में प्रेपोजिशन इन है मुंबई से पहले और दूसरे में टू है। दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो अपने आप में सही हैं। इसमें तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो तो अब दिमाग करेक्ट, लेकिन जो दोनों का मीनिंग और सेंस है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो बिल्कुल ही अलग अलग है। दे हैव बीन इन मुंबई फॉर 3 months का मतलब क्या है? वे मुंबई में 3 महीने से हैं, वे मुंबई में 3 महीनों से हैं, मतलब अभी कहाँ हैं, अभी करंटली कहाँ हैं, अभी मुंबई में ही हैं। अब 3 महीने पहले मुंबई आए, तब से लेके अब तक यही है। तो मान लो अभी जून चल रहा है, तो मान लो वो अप्रैल के महीने में आए, अप्रैल के महीने में आए या मार्च के महीने में आए, और तुम कह सकते हो दे हैव बीन इन मुंबई फॉर 3 months, वे मुंबई में 3 महीने से हैं, अभी कहाँ हैं, यही है। तो ये तो यही रूल फॉलो कर रहा है, जो स्ट्रक्चर जो 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 मैंने इसका तुमको भी कॉन्टेक्स्ट बताया था कि जो स्टेट पास्ट में शुरू हुई, जो स्टेट या स्टेज पास्ट में शुरू हुई और प्रेजेंट में जारी है उसके लिए, और दे हैव बीन टू मुंबई, ये बिल्कुल अलग है, इसका मीनिंग बिल्कुल ही अलग है। और जो हम लोग पैटर्न अभी पढ़ रहे हैं उससे उसका कोई रिलेशन नहीं। दे हैव बीन टू मुंबई, यहाँ पे तुम लोगों को एक चीज जाननी पड़ेगी कि जब भी किसी सेंटेंस में, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, पता नहीं होगा तुमको ये बात, हैज हैव प्लस बीन, हैज बीन हैव बीन के साथ क्यों रेस्ट क्यों करना चाहिए? आई एम नॉट इल भाई, हैज हैव बीन प्लस, जब एग्जाम्पल था वो प्लस प्रेपोजिशन टू प्लस एनी लोकेशन, कोई भी लोकेशन होती है। तो ये जो है ना पूरा जो कंस्ट्रक्शन हैज बीन हैव बीन के साथ टू, ये अपने आप में पास्ट इनडेफिनिट के बराबर हो जाता है, ये अपने आप में पास्ट इनडेफिनिट के बराबर हो जाता है, पास्ट इनडेफिनिट का इक्विवेलेंट हो जाता है, इक्विवेलेंट। दे हैव बीन टू मुंबई फॉर 3 months का मतलब वे मुंबई 3 महीने के लिए कभी गए थे, वे मुंबई में 3 महीने के लिए कभी थे, अभी वहां नहीं है। तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो दे विजिटेड मुंबई, दे विजिटेड मुंबई फॉर 3 months। तो विजिटेड कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट है कि नहीं? पास्ट इनडेफिनिट है कि नहीं? ठीक है, तो हैज बीन हैव बीन टू प्लस एनी लोकेशन। एग्जाम्पल सुनो रोजमर्रा का, स्पोकन इंग्लिश का कॉन्टेक्स्ट समझना। तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा कोई फ्रेंड तुम्हें बहुत लंबे अरसे के बाद कॉल करे और वो तुमसे कहे कहाँ हो तुम आजकल, कहाँ हो तुम आजकल, तुम उससे बोलो आई हैव बीन इन चेन्नई, आई हैव बीन इन चेन्नई फॉर 6 months, आई हैव बीन इन चेन्नई फॉर 6 months, या आई हैव बीन इन चेन्नई सिंस जनवरी। उसका मतलब क्या है कि मैं चेन्नई में 6 महीने से हूँ, अभी कहाँ हूँ, अभी चेन्नई में हूँ, 6 महीने पहले यहाँ आया और अभी यहीं हूँ। ये तो एक केस हो गया। केस नंबर टू सुनो, तुम अपने होम टाउन में हो, तुम्हारा जो भी होम टाउन है तुम वहां हो, अभी चेन्नई में नहीं हो। तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तुम्हारा कोई फ्रेंड है, उसकी जॉब, उसके बीटेक के बाद उसकी जॉब चेन्नई में लगी है, उसका प्लेसमेंट हुआ है चेन्नई में, और वो नॉर्दर्न इंडिया से है, तुम भी नॉर्दर्न इंडिया से हो। उसके जो तुम्हारा फ्रेंड है जिसकी जॉब लगी है चेन्नई में, उसके जो पेरेंट्स हैं वो इस बात को लेके कहीं ना कहीं चिंतित हैं, कहीं ना कहीं परेशान हैं कि वो बिल्कुल ही अलग रीजन में जाके, बिल्कुल ही अलग कल्चर, खान पान, रहन सहन, ऐसी जगह में जाके वो कैसे एडजस्ट करेगा, हाउ विल ही अडेप्ट, दिक्कतें बहुत आएंगी। तो तुम उनको, यानी कि अपने फ्रेंड के पेरेंट्स को समझाने के लिए बोल रहे हो डोंट वरी, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ सही रहेगा, देर इज नथिंग टू वरी, बिकॉज बिकॉज आई हैव बीन टू चेन्नई,
आई हैव बीन टू चेन्नई फॉर 6 मंथ्स और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है. आई हैव बीन टू चेन्नई फॉर 6 मंथ्स, इसका मतलब मैं अभी तो चेन्नई में नहीं हो ना, अभी तो तुम नॉर्थ इंडिया में बैठे हो, लेकिन तुम कह रहे हो आई हैव बीन टू चेन्नई फॉर 6 मंथ्स. मैं कभी किसी जमाने में पास्ट में चेन्नई में 6 महीने के लिए था, अभी तो वहां नहीं हूं, अभी तो यही होम टाउन में अपने उन लोगों से बात ही कर रहे हो, बात को समझ रहे हो ना. इसका मतलब आई हैव बीन टू चेन्नई फॉर 6 मंथ्स का मतलब आई स्टेड इन चेन्नई, आई स्टेड या आई लिव्ड इन चेन्नई फॉर 6 मंथ्स. ये चीज है, ये फर्क है दोनों में. आई हैव बीन इन द महोत्सव सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन इन द महोत्सव सिंस मॉर्निंग, मैं महोत्सव में जो फेस्ट लगा होगा फेस्ट उसमें मैं सुबह से हूँ, या आई हैव बीन इन महोत्सव फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे से हूँ. और आई हैव बीन टू द महोत्सव मैनी टाइम्स, आई हैव बीन टू द महोत्सव मैनी टाइम्स, इसका मतलब महोत्सव में उस फेस्ट में कई बार जा चुका हूँ कभी पास्ट. जैसे आई हैव बीन टू द बुक फेयर, आई हैव बीन टू द बुक फेयर मैनी टाइम्स, पहले कभी गया हूँ पास्ट में. ठीक है, ये ध्यान रखना. और इसमें क्या पकड़, किस तरह से पकड़ेंगे आप, अगर हैज बीन, हैव बीन के साथ टू लग गया. अब मैं तुमको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, सेंटेंस नंबर डी देखो, आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ, आई थिंक बैंकिंग में आया हुआ, IBPS PO में, पढ़ के देख लो एक बार, देखो कि कोई गलती है या नहीं है या बिल्कुल सही है, थोड़ा एनालाइज करो, मीनिंग भी देखो, ग्रामर भी देखो, और जो मैंने तुमको ये वाली बात बताई अभी नीचे, ये शायद अप्लाई होगी यहाँ पे. यस दिलशाद, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट इन योर असेसमेंट. आई कैन रीड योर कमेंट्स, मैं सबके कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ. आज क्लास में इतने इंटरप्शन हुए हैं इसलिए बहुत कम लोग लाइव हैं इस टाइम, तो 40 लोग लाइव दिखा रहे हैं. मैं यही करूँगा, ये क्लास हो जाए, 15-20 मिनट की क्लास बची है, इसके बाद मैं वो कर दूंगा, एडिट कर दूंगा वीडियो को, और जहाँ जहाँ इंटरप्शन हुए उसको हटा दूंगा, और इस करंट वीडियो को डिलीट कर दूंगा लाइव स्ट्रीमिंग को, और उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना, तभी व्यूज बढ़ेंगे इसके. तुम लोगों को इस वीडियो को शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग तो मुझसे व्हाट्सएप कनेक्टेड हो ही हो, तुमको मैं वीडियो भेजूंगा इसकी एडिटेड फॉर्म, इसका तुम नोट्स बनाओगे बिना इंटरप्शंस का, उसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब तो अभी कर लो. हाँ बट तो कंजंक्शन है, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, ये सेंटेंस सही है, इज इट ग्रामेटिकली करेक्ट, आई हैव बीन टू, ओके अभी आई हैव बीन टू मेनी ऑफ हिज लेक्चर्स, तुम लोग नहीं पकड़ पाए सेंटेंस में, बड़ी गलती है, देख लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का लेवल क्या रहता है. आई हैव बीन टू का मतलब क्या है, ये देखो ना पास इंडेफिनिट, इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ सेंटेंस के कॉन्टेक्स में, लेक्चर्स के कॉन्टेक्स में तो विजिटेड होगा नहीं, जैसे मुंबई के केस में तो क्या लगा दिया था विजिटेड, यहाँ क्या हो जाएगा आई अटेंडेड मैनी ऑफ हिज लेक्चर्स, मैंने उनके बहुत से लेक्चर्स अटेंड किए, कब किए, कब किए, पास्ट में किए, पास्ट में किए, लेकिन मुझको ना के बराबर समझ में आया, परंतु मुझको ना के बराबर समझ में आया जो उन्होंने बोला, परंतु मुझको ना के बराबर समझ में आया जो उन्होंने बोला. तो ना के बराबर समझ में कब आया, जब लेक्चर्स अटेंड किए, तो ये नहीं होगा ना, अंडरस्टूड होगा, आगे तो पास इंडेफिनिट आ ही रहा है. अब तुम देखो तीनों हिस्सों में पास इंडेफिनिट हो गया, हैव बीन टू तो वैसे भी पास इंडेफिनिट के इक्विवेलेंट था, अटेंडेड का काम कर रहा था, फिर ये हो गया बट अंडरस्टूड पास इंडेफिनिट लिटिल ऑफ व्हाट ही सेड, क्योंकि टेंस सबका सेम क्यों है, क्योंकि सबका टाइम सेम है, टेंस इज ऑल अबाउट टाइम. अगर किसी स्टूडेंट को ये लग रहा हो कि हैड भी लगा सकते हैं, हैड
हैड अंडरस्टूड कर दोगे तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट के पहले का पास्ट होता है, पास्ट के पहले का पास्ट, वो तो नहीं हो पाएगा ना, वो तो नहीं हो पाएगा ना। तो आई अटेंडेड मेनी ऑफिस लेक्चर्स, जब अटेंड किए होंगे तभी तो ना के बराबर समझ में आया होगा, उससे पहले कैसे ना के बराबर समझ में आएगा। और लिटिल है, लिटिल लिटिल का मतलब ना के बराबर, देख रहे हो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो रहा है। किसी भी ग्रामर के किसी भी रूल को या कॉन्सेप्ट को समझना तो एक चीज़ होती है, लेकिन क्वेश्चन सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाना, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, असली चीज़ वही होती है। या इंग्लिश लिखने में उसी रूल को यूज़ करना, अभी तो तुम्हारे दिमाग में वैसे भी तरोताज़ा है, तुम लोगों को तो आसानी से एरर निकाल लेनी चाहिए थी, तुम लोग नहीं निकाल पाए। तो प्रेजेंट के तीन टाइप्स हो गए हैं, देख लो। टाइप वन जिसमें इज एम आर था, टाइप टू जिसमें हैज हैव था, वो था पोजेशन, था पोजेशन। इसके नोट्स बनाना अच्छे से, नोट्स बहुत अच्छी तरह से बनाना। और ये हैज बीन, हैव बीन वाला। परफेक्ट कंटिन्यूअस कब होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर होता आई हैव बीन फीलिंग इल, अगर होता आई हैव बीन फीलिंग इल, दे हैव बीन स्टेइंग इन मुंबई, तो वो हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सुबह अन अकेडमी में तो क्लास सुबह 11 बजे होती है, रात में 9 बजे होती है। बस तुम लोगों से मैं यही कहता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते रह कर, मेरा व्हाट्सएप स्टेटस जरूर देखते रह कर, उस पर मैं डेली अपडेट देता हूँ, अन अकेडमी की क्लास का भी और यूट्यूब की क्लास का भी। आज की अन अकेडमी की क्लास का मैंने अपडेट नहीं दिया था, वो 9 बजे है, 11 बजे हो गई है। उसमें अराउंड 120 स्टूडेंट्स आए थे, रात में कमी आते हैं 9 बजे, 9 से 10 होगा प्रैक्टिस बैच, वो भी फ्री है। चलो तो जल्दी से पास्ट पे आ जाओ, पास्ट पे आ जाओ, अब जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब क्लास में मुश्किल से 15-20 मिनट बचे हैं। अभी तक क्या था? ही इज हैप्पी, अब क्या हो गया? ही वॉज हैप्पी। ही इज हैप्पी का मतलब क्या है? वह खुश है। और ही वॉज हैप्पी का मतलब क्या है? वह खुश था, वह खुश था। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अंकिता। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। यू वर इल, तुम बीमार थे। दे वर इन मुंबई, वे मुंबई में थे। ये स्टेज हो गया, ये स्टेज वाला हो गया, वो स्टेट हो गए। नेगेटिव क्या हो गया? ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज नॉट हैप्पी, और इसका यू वर नॉट इल। डिड नॉट मत कर देना, ये मत कर देना ही डिड नॉट हैप्पी। अरे भैया, डिड का यूज तो तब करोगे जब मेन वर्ब आ रहा होता, पास्ट इंडेफिनिट होता। जैसे होता ही फेल्ट हैप्पी, ही फेल्ट हैप्पी, तो होता ही डिड नॉट फील हैप्पी। अच्छा, अगर हम करते हैं ही वॉज फीलिंग हैप्पी, अगर हम करते हैं ही वॉज फीलिंग हैप्पी, तो वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। यू वर फीलिंग इल, पास्ट कंटिन्यूअस। दे वर स्टेइंग इन मुंबई, पास्ट कंटिन्यूअस। ये पास इंडेफिनिट नहीं है, स्टेट स्टेज ही बोलो। ग्रामर की बुक्स में भले ही कह देते हो, लेकिन उसको तुम स्टेट स्टेज ही बोलो। और इंट्रोगेटिव हो जाएगा वॉज ही हैप्पी, वॉज ही हैप्पी, वर यू इल, वर दे इन मुंबई। अगर कहना वो खुश क्यों था, अगर कहना वो खुश क्यों था, तो हो जाएगा वाई वॉज ही हैप्पी, वाई ही वॉज हैप्पी नहीं होगा। अगर वाई वेन वेयर हाउ लगाते हो, जो तो चार इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, वाई हु हुम हुज विच वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हु हुम हुज विच वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, वाई वेयर वेन हाउ। वाई का मतलब क्यों, वेयर का मतलब कहाँ, वेन का मतलब कब, हाउ का मतलब कैसे। अगर इनका यूज करते हो तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव बनेगा, हेल्पिंग मतलब वही लिंकिंग वर्ड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। चलो ही हैड अ कार पे आ जाओ। हाँ वो सही है, वो सही है मुकेश। तुम लोगों ने ये देखा था अभी, ये बिल्कुल इसी पैटर्न पे वो आएगा अब, हैड वाला, पास्ट का पोजेशन, पास्ट का पोजेशन आएगा। ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट होता थर्ड फॉर्म आती साथ में, जैसे कि ही हैड ड्रिवन अ कार, ही हैज परचेज्ड अ कार। नेगेटिव क्या होगा? ही हैड, जल्दी जल्दी देखो, क्लास के सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। ही हैड नॉट अ कार, हाँ मेरी हैंड राइटिंग भी ज़्यादा ही अच्छी है, क्या करें। ही हैड नॉट अ कार सही है, लेकिन ज्यादा अच्छा मेथड वो आएगा डिड वाला।
इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं ही हैडेंट अकार, ही हैडेंट, और ये हो सकता है ही डिडेंट हैव अकार। अच्छा ये भी तो हो सकता है ही हैड नो कार, उसमें तो कोई गलती नहीं है ना, क्यों ही हैड नो कार, जैसे कि पीछे पड़ा था, पीछे भी हो सकता था ही हैज नो कार, ही हैज नो कार। यहाँ डज लग गया क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही थी, डज डू का यूज, यहाँ डिड लग गया, ही डिड नॉट हैव अ कार। ज्यादा अच्छा मेथड कौन सा माना जाएगा, बार बार बोल रहा हूँ, पीछे भी बोला था, नीचे वाला। इंग्लिश लिखने बोलने में ज्यादा यही यूज होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ज्यादा अच्छा यही माना जाएगा, तो छांटने को आ जाए। नेगेटिव बनाओ, जल्दी से बनाओ नेगेटिव। नहीं सॉरी, इंट्रोगेटिव, आई एम सॉरी। एड ज़्यादा अच्छा ही हो जाएगा। इसका बनाओ, आई हैड मेनी प्रॉब्लम्स का, जल्दी से कम ऑन। हाँ आई हैड नो प्रॉब्लम्स तो हो ही जाएगा, और जो हम लोग मेथड कर रहे हैं इतनी देर से उसके हिसाब से हो जाएगा। आई हैड नॉट, ऐसे कोई बोलता नहीं है इंग्लिश में, लेकिन सही है, आई हैड नॉट प्रॉब्लम्स, आई हैड नॉट प्रॉब्लम्स। आई डिड नॉट हैव प्रॉब्लम्स। हाँ मैनी था ना, सॉरी मैनी, मैनी भी था, मैनी जोड़ लेना। और इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा हैड आई मैनी प्रॉब्लम्स, हैड आई मैनी प्रॉब्लम्स, हैड आई मैनी प्रॉब्लम्स, और डिड आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स, डिड आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव साथ में बनाना हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव साथ में बनाना तो हो जाएगा डिड आई नॉट हैव, डिड आई नॉट हैव मैनी प्रॉब्लम्स, हैड आई नॉट मैनी प्रॉब्लम्स। अभी मैं एक अच्छी एक्सरसाइज कराऊंगा ट्रांसलेशन की, बड़ी अच्छी, चलो इस पे आ जाओ। तो ये था पोजेशन वाला, सॉरी ये पोजेशन वाला था, अब इस पे आ जाओ। लास्ट टाइप है ये, पास्ट का लास्ट टाइप है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस सिंस फॉर। जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया, वे 3 महीने से मुंबई में थे, जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया वे 3 महीने से मुंबई में थे, ठीक है। अच्छा अभी तक क्या था, टाइप 3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। पीछे क्या आया था, हैज बीन हैव बीन आया था, हैज बीन हैव बीन, प्रेजेंट वाले में, या हैड बीन है। एग्जांपल्स वही लेके चल रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट में बैठ के एक ऐसे एक्शन की बात हो रही थी जो पास, सॉरी एक्शन बार बार बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, स्टेट, एक ऐसी स्टेट या स्टेज की बात हो रही थी जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में जारी है, ठीक है। आई हैव बीन इल सिंस मॉर्निंग का मतलब क्या है, आई हैव बीन सिंस मॉर्निंग का मतलब मैं सुबह से लेके अब तक बीमार हूँ, सुबह बीमार था अभी भी बीमार हूँ। दे हैव बीन इन मुंबई फॉर 3 मंथ्स, मैं मुंबई में 3 महीने से हैं, यानी कि पास्ट में आए तब से लेके अब तक मुंबई में, उनकी जो मुंबई में रहने की जो अवस्था है वो अभी भी है, ठीक है। पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की बात कर रहा है,
ये स्टेट स्टेज जो हैज बीन वाला, ये पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की बात कर रहा है, और ये जो है पास्ट का हैड बीन वाला, ये बात करेगा पास्ट से लेके पास्ट तक की। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ये पास्ट से लेके पास्ट तक की बात करेगा, पास्ट टू पास्ट, वो था पास्ट से प्रेजेंट। When I contacted them, they had been in Mumbai for 3 months. जब मैंने उनसे संपर्क किया, जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया, वे 3 महीने से मुंबई में थे। ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस दे दिया है। जैसे पास्ट परफेक्ट में नहीं होता है, दो एक्शंस होते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट के पहले का पास्ट, कुछ वही कहानी यहाँ है। जब मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, कब कॉन्टैक्ट किया, ये कॉन्टैक्ट भी पास्ट में किया है, ये कॉन्टैक्ट भी पास्ट में किया है। उस समय उस वक्त वे मुंबई में 3 महीने से थे, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया अप्रैल के महीने में, अभी अप्रैल के महीने में कॉन्टैक्ट किया उनसे, और दे हैड बीन इन मुंबई फॉर 3 मंथ्स का मतलब तब से लेके 3 महीने माइनस कर दो, फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, फरवरी में आए होंगे वो। दिस इज हाउ यू विल एनालाइज दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन। और ये जो है व्हेन आई कॉन्टेक्टेड देम दे हैड बीन टू मुंबई, वो ही पीछे वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। उसमें क्या था कि उस समय वहां नहीं थे। तो जब मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया, जब मैंने उनसे संपर्क किया, वे उससे पहले कभी, जब मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया वो उस समय मुंबई में नहीं थे, उस वक्त मुंबई में नहीं थे, उससे पहले कभी मुंबई में थे, उससे पहले कभी थे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर मैंने उनसे अप्रैल के महीने में कांटेक्ट किया अभी इसी साल, तो उस टाइम अप्रैल के महीने मुंबई में नहीं थे, उससे पहले कभी रहे होंगे 3 महीने के लिए, उस समय वहां नहीं थे। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में क्लियर हो रहा है कि उस समय वहां वो थे, उस समय वहां वो थे। ठीक है, देख रहे हो इतना डीपली पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत इनडेप्थ एनालिसिस करता हूँ, चाहे ग्रामर का हो चाहे वोकैबुलरी का हो। लास्ट पे आ जाओ, आज के लास्ट कैटेगरी पे आ जाओ, फ्यूचर, फ्यूचर के जो स्टेट स्टेज होता है। देखो प्रेजेंट से कंपेयर कर लो, प्रेजेंट से वो खुश है, वाह खुश है, ही इज हैप्पी, वाह खुश है, ही इज हैप्पी, वाह खुश था, ही वॉज हैप्पी, वाह खुश होगा, वाह खुश होगा, ही विल बी हैप्पी, ही विल बी हैप्पी। इसमें बी भी लगता है, ये मत कर देना कि ही विल हैप्पी, ही विल हैप्पी कोई इंग्लिश नहीं होगी। वह एक डॉक्टर होगा, आगे चल के वो डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर, ठीक है। यू विल बी इल, तुम शायद यहाँ पे किसी को बद्दुआ दे रहे हो, किसी को कर्स कर रहे हो, तुम बीमार पड़ोगे, यू विल बी इल। मान लो कोई आदमी बारिश में बहुत ज्यादा खेल रहा है, ठंड की बारिश में खेल रहा है, विच कैन बी वेरी डेंजरस, तुम कह रहे हो कि तुम बीमार पड़ोगे, यू विल बी इल, यू विल बी इल टुमारो, यू विल बी इल इन फ्यूचर। वे मुंबई में होंगे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वे मुंबई में होंगे, फ्यूचर में मुंबई में होंगे। वैसे तो हिंदी में वो भी कहते हैं ना, मुंबई में होंगे मतलब वो शायद मुंबई में होंगे, अभी होंगे, तो वो तो वैसे बनता है, दे माइट बी इन मुंबई, दे मे बी इन मुंबई, मॉडल वर्ब लगता है। हाँ, इसका जब नेगेटिव बनाओगे, नेगेटिव इस स्ट्रक्चर का, इस स्ट्रक्चर का जब नेगेटिव बनाओगे तो नॉट लगेगा। देवेश वो ऑलरेडी बता चुके हैं, देवेश तुम रिकॉर्डिंग प्लीज देख लेना, तुमने शायद क्लास देर से ज्वाइन की है, फिर रिवाइज कर दूंगा मैं, वरना बाकी लोगों के लिए फालतू में वो काफी रेपिटिशियस हो जाएगा। नॉट प्लस बी, नॉट प्लस बी को प्रिफर करेंगे बी प्लस नॉट के मुकाबले। ही विल बी हैप्पी, इसका नेगेटिव, वो खुश नहीं होगा फ्यूचर में। ही विल नॉट बी हैप्पी, ही विल नॉट बी हैप्पी, ही विल बी नॉट हैप्पी, प्रिफर करेंगे नॉट बी को, ही विल नॉट बी हैप्पी। दे
विल नॉट बी इन मुंबई, दे विल बी नॉट इन मुंबई, दोनों सही है। सही ज्यादा अच्छा माना जाएगा अगर छांटने को आ जाए कभी फिल इन द ब्लैंक्स में, दे विल नॉट बी इन मुंबई, आई विल नॉट बी इन भोपाल नेक्स्ट वीक, ठीक है। फ्यूचर के टाइप टू पे आ जाओ, ये हो गया वो वाला कौन सा पोजिशन, जैसे हैज था हैड था वैसे ही। देखो उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार, उसके पास एक कार होगी, ही विल हैव अ कार, ही विल हैव अ कार। दोनों कौन से सही है, एक ही तो है, ही विल हैव अ कार। हाँ मैं तो बता दिया पीछे, तो बता दिया कि दोनों सही है, प्रिफर करेंगे उसको नॉट बी को। मेरे पास बहुत समस्याएं हैं, आई शैल या विल हैव मेनी प्रॉब्लम्स। अब शैल और विल में क्या फर्क होता है, बहुत ही डिटेल में बहुत ही खूबसूरती से समझा चुके हैं टेंसेज में। इस कोर्स में मैंने टेस्ट नहीं पढ़ाया है, 5-6 महीने पहले पढ़ाया था, यूट्यूब पे वीडियो पढ़ाया, देख लेना, शैल विल का डिफरेंस पूरा बताया है 3 लेवल्स पे। और इस कोर्स में आएगा 1 हफ्ते बाद, जब टेंसेस पढ़ाएंगे तब आएगा। अभी पार्ट सब स्पीच का सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, पूरी तरह होगा अनीता, अनीता पूरी तरह से कवर करेगा, उसके लिए परेशान ना हो। बस तुम लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहो, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं अपने स्टेटस पे डेली अपडेट देता रहता हूँ, तुमको वहीं से सारा इंफॉर्मेशन मिलेगी मेरी क्लासेस के बारे में, चाहे ये यूट्यूब की क्लासेस हो डेली, चाहे अनअकैडमी पे जो पढ़ाता हूँ मैं, अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ ना 1.5-2 साल से, मैं SSC कैटेगरी में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे प्लस पे भी पढ़ाता था, आजकल फ्री वाले प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ। प्रैक्टिस बैच होता है ना अकेडमी पे, सुबह 11 बजे और रात में 9 बजे। ही विल नॉट हैव अ कार और विल ही हैव अ कार, क्या उसके पास एक कार होगी, समझ में आ गया। इसमें नेगेटिव बनाओगे तो दोनों मेथड बराबर सही होंगे, इसमें नेगेटिव बनाओगे तो दोनों मेथड बराबर सही होंगे। ही विल हैव नॉट अ कार भी हो सकता है, ही विल हैव नॉट अ कार और ही विल नॉट हैव अ कार, ही विल हैव नॉट अ कार और ही विल नॉट हैव अ कार, दोनों सही है। मेरे दोस्त के पास कोई किताब नहीं थी, मेरे दोस्त के पास कोई किताब नहीं थी। तुमको पहले पकड़ना पड़ेगा ये कौन से वाला है, तुमको पहले पकड़ना पड़ेगा ये कौन सा वाला पोजेशन है, कौन सा वाला पोजेशन है। मेरे दोस्त के पास कोई किताब नहीं थी, तुमको पहले ये देखना है कि कौन से टाइप में आएगा, प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में, और कौन से टाइप में। मेरे दोस्त के पास कोई किताब नहीं थी, ये वाला है, पास्ट की बात हो रही है। माई फ्रेंड हैड नॉट एनी बुक, माई फ्रेंड हैड नॉट एनी बुक, ये कम अच्छा है और ज्यादा अच्छा होगा, माई फ्रेंड डिड नॉट हैव एनी बुक, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, माई फ्रेंड डिड नॉट हैव एनी बुक, प्रिफर करेंगे डिड नॉट वाले मेथड को। क्या तुम अगले साल कनाडा में होगे, क्या तुम अगले साल कनाडा में होगे, ये बनाओ, क्या तुम अगले साल कनाडा में होगे। हाँ विल यू बी इन कनाडा, ये कौन सा टाइप है, ये वाला है, विल यू बी इन कैनेडा नेक्स्ट ईयर, विल यू बी बाद में आएगा ना सब्जेक्ट के, ये वाला है, विल यू बी इन कैनेडा नेक्स्ट ईयर। स्टेट स्टेज चल रहा है, एक्शन कोई नहीं आया है, एक्शन कोई नहीं आया है, ये टेंस वाली ग्रामर नहीं है। विल यू बी इन कैनेडा नेक्स्ट ईयर। तीसरा सुनो, क्या तुम्हारे पास एक चपरासी है, क्या तुम्हारे पास एक चपरासी है, पियून, हैव यू अ पियून, हैव यू अ पियून, हैव यू अ पियून और डू यू हैव अ पियून, दोनों सही हैव यू अ पियून और डू यू हैव अ पियून, प्रिफर करेंगे डू यू हैव अ पियून को, हैव यू अ पियून और डू यू हैव अ पियून। क्या तुम्हारे पास अगले साल एक घर होगा, क्या तुम्हारे पास अगले साल एक घर होगा,
विल यू हैव अ हाउस नेक्स्ट ईयर? बिल्कुल ठीक, विल यू हैव अ हाउस नेक्स्ट ईयर, अगेन क्वेश्चन मार्क। क्या तुम चपरासी हो? सेंटेंस नंबर 5, क्या तुम चपरासी हो? आर यू अ प्यून? आर यू अ प्यून? क्या तुम्हारे पास चपरासी है? डू यू हैव अ प्यून? ऊपर आया था अभी, क्या तुम्हारे पास चपरासी है? डू यू हैव अ प्यून या हैव यू अ प्यून? क्या तुम चपरासी हो? आर यू अ प्यून? अगेन क्वेश्चन मार्क। आज की क्लास में आपने ये जाना कि जो इज एम आर वॉज वर हैज हैव विल बी शैल बी आता है, विल शैल आता है बिना किसी मेन वर्ब के, बिना किसी एक्शन के वर्ड के, उसका कितना ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है इंग्लिश लिखने में और बोलने में। तुमको बात बताऊं, लास्ट के 2 मिनट बचे हैं, क्लास के 2 मिनट बचे हैं, बड़ी अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ। सब लोग फोकस करना मेरी बात पे, मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स सुन लो, मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स आज की क्लास के। स्पोकन इंग्लिश को अगर एनालाइज करो, स्पोकन इंग्लिश को थोड़ा एनालाइज करो और ये देखो कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं अंग्रेजी में, जब दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है इंग्लिश में, तो उसमें स्टेट स्टेज वाले सेंटेंसेस कितने ज्यादा आते हैं जो तुम लोगों ने आज पढ़े हैं, जिनमें एक्शन नहीं होता, कितने ज्यादा होते हैं? एग्जाम्पल दूं, दो दोस्त ऐसे हैं, दो फ्रेंड्स ऐसे हैं जो एक लंबे समय के बाद, लंबे वक्त के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब देखो बातचीत कैसे हो रही है, एक दोस्त दूसरे से पूछ रहा है हाउ आर यू, हाउ आर यू? सामने वाले ने जवाब दिया आई एम फाइन थैंक यू। देखना सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, देखना कि एक्शन वाला सेंटेंस है, टेंस वाली ग्रामर है, जैसे तुमने आज पढ़ा स्टेट स्टेज वो वाली है। हाउ आर यू, जवाब आया आई एम फाइन थैंक यू। वेयर आर यू नाउडेज, वेयर आर यू नाउडेज? आई एम इन डेली नाउडेज, आई वॉज इन लखनऊ लास्ट ईयर, आई वॉज इन लखनऊ लास्ट ईयर बट नाउडेज आई एम इन डेली। वाई आर यू इन डेली? बिकॉज देर इज अ वेडिंग टुमारो, देर इज अ वेडिंग टुमारो एंड आई एम, एंड आई एम अ गेस्ट देयर, आई एम अ गेस्ट देयर। योर मदर वॉज नॉट वेल अ फ्यू ईयर्स अगो, योर मदर वॉज नॉट वेल अ फ्यू ईयर्स अगो, वॉज नॉट वेल, पास्ट स्टेट स्टेज, एक्शन नहीं है। तो हाउ इज शी नाउ, हाउ इज शी नाउ? जवाब आया शीज, शी इज फाइन नाउ, शी इज फाइन नाउ। देख रहे हो? फिर उसने कहा डू यू हैव अ बाइक, डू यू हैव अ बाइक? जवाब आया आई डोंट हैव अ बाइक बट आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ बाइक बट आई हैव अ कार। समझ में आ रही है बात? इतने सेंटेंसेस बोले गए इस कॉन्वर्सेशन में, एक बार भी टेंस का कोई एग्जाम्पल नहीं था। और जब भी हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, जब भी हम लोग एज लर्नर्स ऑफ इंग्लिश इंग्लिश पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले बस टेंसी टेंस वाले सेंटेंसेस रटवाए जाते हैं। और इसीलिए आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन भी रहता है कि ये कौन सी ग्रामर है कि इज एम आर आ गया लेकिन आई एन जी नहीं आ रहा, वॉज वर आ गया आई एन जी नहीं आ रहा, हैज हैव आ गया थर्ड फॉर्म नहीं आ रही। समझ रहे हो ना ये चीज है? तो जो भी ग्रामर पढ़ रहे हो मेरी क्लासेस में, उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन कैसे होता है लिखने और बोलने में, ये देखना, ये समझना और ये पकड़ना उतना ही जरूरी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने पिछले 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पिछले 3 लेक्चर्स, नाउन का इंट्रोडक्शन, प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन और कुछ बड़ी मजेदार बातें, वो जरूर देख लेना उन रिकॉर्डिंग्स को तेज स्पीड पे 1.25x पे, थोड़ा टाइम बचेगा, क्लास भी इंटरेस्टिंग लगेगा। चलो भाई मिलते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।